बैक टू माई चैनल एन सी आर टी फुली सॉल्व विद शेली तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ का टी आर जैन टी आर जैन का सेट्स का चैप्टर नंबर सेवन फ्रीकवेंसी डायग्राम्स हिस्टोग्राम पॉलीगन एंड ऑजाइव ठीक है तो ये तीन होते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं अब फ्रीकवेंसी डायग्राम क्या होता है फ्रीकुंसी डायग्राम वो होता है एक वो डाय डायग्रे, ड्रामेटिक प्रजेंटेशन होती है जिसमें बनाए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है डिस्ट्रीब्यूट ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ एक ग्राफ पे डायग्राम्स बनाई जाती हैं मतलब बार टाइप भी हो सकता है कि उस चार्ट में बताया जाता है कि ये आइटम कितनी फ्रीक्वेंटली आई है रिपीट हुई है तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिलेट टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल क्या होती है बताती हूँ सपोज आपकी क्लास में थर्टी स्टूडेंट्स हैं अब थर्टी में से मैथ्स में वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में चालीस से पचास के बीच में मार्क्स आए हैं सपोज़ फिफ्टी मार्क्स का एग्ज़ाम है और चालीस से पचास में कितने बच्चों के एग्ज़ाम आए हैं सपोज़ पाँच बच्चों के आए हैं तीस में से और दस बच्चों के आए हैं तीस से चालीस के बीच में और बाकी बच्चों के आए हैं दस से बीस के बीच में तो वो जो चार नंबर दस नंबर ये जो होते हैं ये पाँच नंबर जैसे पाँच बच्चों के आए तो वो क्या हुआ दैट इज़ फ्रीकुन्सी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीकुन्सी होती है कि एक चीज़ कितनी बार रिपीट हुई एक क्लास इंटरवल के बीच में ठीक है Uh, अब इसमें uh, कुछ अलग अलग होते हैं जैसे हिस्टोग्राम हो गया ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम के वेज़ हैं हिस्टोग्राम के वे में बनता है पॉलीगन होते, है होते हैं और अजाइव होते हैं ठीक है अब हिस्टोग्राम क्या होता है हिस्टोग्राम ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है मतलब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं किस uh, किस प्रेजेंटेशन का आएगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस सीरीज़ समझ रहे हो जैसे क्लास इंटरवल होता है जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी उन वो जो सीरीज होती है ना वो कंटिन्यूस सीरीज होती है उन सीरीज़ को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हिस्टोग्राम ठीक है सो वैल्यू so अब ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो दो तरीके से बनते हैं ठीक है मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन होती है एक स्लीपिंग uh, लाइन होती है ठीक है तो एक तरफ हम एक वेरिएबल रखते हैं दूसरी तरफ दूसरा सपोज एक तरफ एक्स वेरिएबल रखा और दूसरी तरफ वाई वेरिएबल रखा मैं दिखाती हूँ ये देखो जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है y और x जीरो से ऊपर की लाइन y जा रही है और नीचे की लाइन x जा रही है तो ये x वाली जो लाइन होगी वो x वेरिएबल हो गया जो y वाली है वो y वेरिएबल हो गया ठीक है तो इस तरीके से अब मैं आगे बताती हूँ क्या होता है तो ये हिस्टोग्राम हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में होता है ठीक है इनके ऊपर जैसे बार्स बनती है ना बार्स किटकाट बार आपने देखी होगी खाई होगी वो उस तरीके से रिक्टेंगल्स बनते हैं सो द विथ ऑफ़ द रिक्टल्स अकॉर्डिंग टू द वेथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स तो जितना क्लास इंटरवल होगा उतना ही विथ्थ होगा और पूरे बार डायग्राफ में विथ विथ जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी ठीक है अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है वो पढ़ते हैं राइट right साइड पे हिस्टोग्राम्स आर ड्रॉन ओनली वेन डाटा इन

ऐसा में कभी भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा हिस्टोग्राम याद रखना हमेशा कंटिन्यूस सीरीज में बनेगा जिसका एक्स वेरिएबल होगा जीरो टू फाइव फाइव टू टेन या जीरो टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टी इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में ठीक है तो ये हमेशा याद रखना और रिकटेंगल रेक्टेंगुलर बार बनती हैं अब आगे जो हिस्टोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन वो दो तरीके की है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल या अन क्लास इंटरवल अब देखो याद करो कॉन्टिन्यूस सीरीज जो थी जो मैंने पहले समझाए हुए हैं और एक और चीज़ बता दूँ आपको ऑलरेडी क्लास फर्स्ट स्टैट्स का फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर ऑलरेडी सॉल्व है तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो आगे आपकी टी आर जैन की पूरी बुक सॉल्व कर दूंगी अभी मैं थोड़े दिनों में तो आप पूरी बुक तब तक चेक कर सकते हो ठीक है और हाँ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है ठीक है चलो अब हिस्टोग्राम जो है वो दो तरीके के हैं इक्वल और अनईक्वल जैसे हमने पहले पढ़ा था कंटिन्यूस सीरीज दो तरीके की होती है एक ही एक अनईक्वल इक्वल में क्या होता है जैसे सपोज जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ठीक है जहाँ पे क्लास इक्वल होती है इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज मेक्स द हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल विथ तो उसकी जो विड्थ है वो भी इक्वल ही बनेगी अब लेथ ऑफ रिक्टू वुड भी डिफरेंट इन प्रोपोर्शन टू द फ्रिक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल्स अभी सपोज एक एग्जाम्पल दिए देखो नीचे मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी कि मतलब जीरो से दस मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए पांच बच्चों के दस बच्चों के मार्क्स आए दस से बीस के बीच में पंद्रह मार्क्स के बच्चों पंद्रह मार्क्स पंद्रह बच्चों के बीस से तीस के बीच में आए बीस बच्चों के मार्क्स तीस से चालीस ट्वेल्थ बच्चों के चालीस से पचास और आठ बच्चे पचास से साठ में लेके गए और चार बच्चों के मार्क्स साठ से सत्तर में लेके गए ठीक है अब ये पेपर कितने मार्क्स का था सेवेंटी का तो मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी जो सबसे हाईएस्ट लेके गए वो चार बच्चे लेके गए थे अब हिस्टोग्राम ऑफ अनईक्वल क्लास इन टू वाला दोस्ड ऑन द ये अब आ, आ, आगे बढ़ते हैं इसका अब सोल्यूशन कैसे बनेगा देखो यहाँ पे राइट साइड पे एक्स वेरिएबल बना दिया ऊपर वाई वेरिएबल राइट साइड पे हमने मार्क्स लिख दिए तो मार्क्स जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी जा रहे हैं तो जीरो टू टेन तक फिर ट्वेंटी फिर थर्टी फिर फोर्टी ऐसे आप ग्राफ लोगे ग्राफ पे बना सकते हो ये चीज़ अब स्टूडेंट्स किस तरीके से हैं स्टूडेंट्स पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस ठीक है 5, 10, 15, 20, क्योंकि मैक्सिमम ट्वेंटी तक गया है तो हम उससे एक फाइव और रेस करके ट्वेंटी फाइव तक लेके जाएंगे सॉरी ठीक है ये रहा तो अब जीरो से दस के बीच में पाँच बच्चों के मार्क्स आए थे फिर दस से बीच के दस और बीस से तीस पंद्रह तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा तो देखो ये हो गया हिस्टोग्राम जिसमें किट कैट की तरह रेक्टेंगल बार्स जा रही हैं ठीक है थीके? तो याद रखना अब अन क्लास इंटरवल कौन सी हुई अ हिस्टोग्राम ऑफ अनईक्वल क्लास इंटरवल आर दो विच आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ अनईक्वल क्लास इंटरवल when the data of class interval are unequal the width of the rectangle are also different so the width of the rectangle are depend on the size of the class interval when the size of the class interval increases or decreases then width of the rectangle also changes ठीक है अब ये जैसे है ये देखो अब ये इन्होंने बताया है कि uneven frequency कौन सी होगी ठीक है पांच से दस दस से पंद्रह पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस कर दी इन्होंने मतलब अब मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ अब इनकी जो रेशू है ना मतलब वो चेंज होती गई ठीक है अभी एग्जांपल दे रही है बिफोर प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स को पहले हम एडजस्ट करते हैं सो दैट प्रॉपर एक इंटरवल बन सके ठीक है तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोअर क्लास इंटरवल अब क्लास में सपोज छोटे इंटरवल्स है पाँच से दस उसके बाद लार्जेस्ट इंटरवल है दस से बीस द फ्रीकुंसी ऑफ विच इज़ ट्वेल्व तो उन्होंने उस हिसाब से लिख दिए Here the class interval of द क्लास इंटरवल ऑफ द बिगर क्लास इज as much इज मच size ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास ठीक है अब हाँ अब देखो जो smallest इंटरवल था वो पाँच से दस था सबसे पहले अब जो उसके बाद हमने लिया वो दस से बीस का ले लिया तो मतलब डिफरेंस पाँच से दस का बढ़ गया इंटरवल में है ना अब इसके बाद अगर हम यही बीस से चालीस ले, ले लेंगे तो बीस का इंटरवल आ जाएगा तो अब हम इसका डिफरेंस एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे पहले तो पंद्रह में से दस को माइनस करेंगे और बीस में से हाँ पहले हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अब जैसे पाँच से दस है तो ये पाँच का डिफरेंस है तो दस से बीस को हम कैसे करेंगे टेन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी तो वो उस अकॉर्डिंग सेम में चला गया अब अकॉर्डिंगली क्या करेंगे इसके बाद जो बिगर क्लास की फ्रिक्वेंसी है ठीक है मतलब जो बारह थी ट्वेल्व वुड बी डिवाइडेड बाई टू दैट इज़ ठीक है तो बारह को हम दो से उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना बड़े वाले की उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे तो मतलब आ गया सिक्स सो द डिवाइड टू इन द क्लास इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फैक्टर ठीक है तो ये जो दो नंबर आया है वो जो जिसे हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर अभी एग्जाम्पल दे रखिए दस से पंद्रह पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस पच्चीस से तीस तीस से चालीस चालीस से साठ साठ से अस्सी अब देखो कहीं फ्रिक्वेंसी जो ये क्लास इंटरवल है वो पाँच की है कहीं पर दस की है कहीं पर बीस की है तो इस तरीके से डिफरेंस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम क्लास इंटरवल इज फाइव अदर क्लास इंटरवल्स आर टेन एंड ट्वेंटी ठीक है तो अब हम इसको पहले ग्राफ पे बनाने से पहले इस पर एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे तो दस से पंद्रह की फ्रीक्वेंसी सात है पंद्रह से बीस की दस बीस से पच्चीस ऐसे फ्रिक्वेंसी लिख ली अब हमने क्या करना है एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे फाइव का डिफरेंस रहा है दस से पंद्रह पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस पच्चीस से तीस पच्ची सो फाइव को हम किससे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है तो आ गया इन पे वन अब थर्टी टू फोर्टी कितना है थर्टी टू फोर्टी को हम थर्टी टू थर्टी फाइव करेंगे थर्टी फाइव टू फोर्टी करेंगे है ना तो ये कितने का है टेन का डिफरेंस है तो टेन को हमने फाइव से डिवाइड किया मतलब टू फोर्टी को सिक्सटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव ठीक है ऐसे करके तो अब हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो सेवन डिवाइडेड बाई वन सेवन डिड वन टीवन डिंटी सेवन 15 डिवाइडेड बाई वन फिफ्टीन टिडेड बाई टू सिक्स ट्वेल्थ डिवाइडेड बाई 4, थ्री एट डिवाइड बाई फोर टू तो इस तरीके से आ गया तो अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो ये अनइक्वल रहेगा है ना जहाँ पे तो इक्वल किट कैट की तरह रिकंगल बार सी यहाँ पे कोई बड़ी है कोई छोटी है कोई विड्थ वाइज चेंज आ जाएगा इनमें ठीक है अब आते हैं पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है पॉलीगन वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड बाइट पॉइंट्स ऑफ टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम अब ये जो है पॉलीगन ये जो रेक्टेंगल्स बने होते हैं उनके बिल्कुल सेंटर के जो पॉइंट्स हैं उनको टॉप पे जो होते हैं ना उनके बिल्कुल मिडल पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को जोड़ के बनता है ठीक है ये दिखाती हूँ ये इस तरीके से ये देखो ये नीचे से लाइन खींचते हैं जहाँ जहाँ पर सेंटर आता है उस पर ऐसे ग्राफ बना देते हैं तो दैट इज नोन एज फ्रीकुंसी पॉलेगन ठीक है पॉलीगन uh, जो है वो हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने से पहले भी बना सकते हैं क्योंकि मिड वैल्यू ऑफ क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्ड ऑन एक्स और जो दूसरी है वो वाई पे होती है तो उस तरीके से हम पहले भी बना सकते हैं ठीक है तो ये मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं समझाऊँगी आप एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लीजिएगा तो मैं आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझा रही हूँ ठीक है एलस्ट्रेशन अब आप समझ लीजिएगा तेन मिड वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो बता देती हूँ लोअर फ्रिक्वेंसी प्लस हायर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा अब फ्रीक्वेंसी कर्व कर्व क्या होता है फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो वेरिएंट होता है पॉलीगन का ठीक है एक अलग एक और पॉलीगन की तरह ही होता है ये देखिए एक बस एक अलग तरीका है उसका फ्रीक्वेंसी कर्व होता है कर्व होता है जो विच इज़ प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व उसमें तो हम प्रॉपर स्केल से लाइन कर रहे थे ना इसमें हम फ्री हैंड चलेंगे और स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाएंगे ठीक है तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा कर्व मीन्स थोड़ा सा जैसे टिल्ट सा टेढ़ा सा होता है ना कर्व आ जाता है वो एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हिस्टोग्राम ऑफ गिवन डेटा सेट ठीक है बेसिक uh, डिफरेंस क्या होता है पॉलीगोन और कर्व में uh, जो पॉलीग poly... देखो दोनों को ज्वाइन तो हम मिड पॉइंट्स के दोनों को ज्वाइन करके बनाते हैं हिस्टोग्राम के पर लेकिन जो पॉलीगन होते हैं उसमें पॉइंट्स आर ज्वाइंट यूजिंग अ स्केल फुट रूल की मदद से लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको हम फ्री हैंड खुद अपने हाथों से ज्वाइन करते हैं उनकी लाइन्स को ठीक है तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो ये कर्व आ गया है ना कर्व मीन्स ये देखो ऊपर जाता जाता फिर नीचे आ रहा है तो इसको कहते हैं कर्व अब आता है ओजाइव और क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अब ये कर्व कौन सा होता है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके ग्राफ पेपर पे और एक स्मूथ सा कर्व बन जाता है उससे ठीक है हाँ क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा हमने पढ़ा था पहले लेस देन मेथड या मोर देन मेथड तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एड ऑन होती जाती है या माइनस होती जाती है तो इस तरीके से हम उस पर ओजाइव बनाएंगे ठीक है अब इलास्ट्रेशन है मार्क्स दे रखे हैं जीरो से पाँच पाँच से दस दस से पंद्रह में ये ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है तो पहले हम इनको क्या करेंगे क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमेशा याद करो या लेस देन होता है या मोर देन टाइप होता है तो लेस देन करके उसमें सारी फ्रिक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे और अगर मोर देन जीरो आएगा तो टॉप की फ्रिक्वेंसी उठा के टोटल वाली उसमें से सारी फ्रिक्वेंसीज हम माइनस करते रहते हैं ठीक है तो अब हम क्या करेंगे उसमें ही एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल बना के क्लास इंटरवल्स को जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन फोर्टी तक लेके जाके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हंड्रेड तक ले जाएंगे हम तो उससे हम एक ग्राफ बनाना शुरू कर देंगे जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी है फोर फिर सॉरी जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी आई फोर फिर सिक्स फिर टेन तो उस तरीके से हम फोर पर लेके जाके फिर नेक्स्ट क्या आया था टेन फिर ट्वेंटी फिर थर्टी तो इस तरीके से हमने बना दिया ये कौन सी बन गई ये होगी लेस देन टाइप वाला अब मोर देन टाइप वाला हमेशा जो ग्राफ होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा ठीक है तो कर्व्स इनके चेंज हो जाएंगे लेस देन में और मोर देन और में तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना लेस देन और में जो ग्राफ की शेप होगी वो बिल्कुल ऊपर जाएगा और उसमें हमेशा आप लेस देन करके चीजें को फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाओगे लेकिन मोर देन वाला जो होगा उसमें याद रखना हमेशा जो कर्व है वो नीचे की तरफ आएगा ऊपर टॉप से जाके नीचे की और उसमें हमेशा हाईएस्ट नंबर से आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से चीजों को माइनस करते जाओगे ठीक है तो मोर देन जो है वो लेस देन से ही बन के आएगा तो मोर देन के लिए आपको पहले लेस देन बनाना पड़ेगा ठीक है चलो अब हाँ अब इन्होंने क्या किया लेस देन एंड मोर देन को दोनों को ज्वाइन कर दिया तो देखो अब लेस देन भी बना दिया दोबारा फिर मोर देन भी कर दिया तो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग फैक्टर आ गया जो कि ई पॉइंट दे दिया उन्होंने ठीक है तो इस तरीके से अब इन्होंने कुछ शेप्स दी हुई हैं फ्रीक्वेंसी कर्व्स की मैं आपको आइडिया दे देती हूँ क्या क्या है नॉर्मल कर्व और सिमेट्रिकल कर्व नॉर्मल कर्व कौन सा होता है ये जैसे राइट right साइड पे कर्व दिया हुआ है पहले नीचे से साठों के ऊपर जाएगा फिर हाईएस पीक पे पहुँचेगा और फिर नीचे आ जाएगा ठीक है इसमें कह रहे हैं कि इस कर्व में जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके बाद वो स्टेबल होएगी हल्का सा ऊपर और फिर वो नीचे ज, ज, गिरने लग जाएगी तो इससे क्या होएगा वो बेल की शेप में बन जाएगी तो जो सिमेट्रिकल कर्व या नॉर्मल कर्व होता है वो हमेशा बेल शेप्ड होता है ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मल कर्व्स आर वेरी रेयर बहुत मुश्किल होते हैं ये कर्व्स इतने आसानी से मिलते नहीं हैं अब पॉजिटिव स्क्वीड स्क्यूड स्क्वीड कर्व कौन सा होता है ये वो कर्व होता है जिसमें स्टैटिस्टिकल uh, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिकेट करती हैं दोनों साइड की हाइस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिफॉर्म इक्वल रेट पे डिक्रीज़ नहीं होती ठीक है अब जो डिक्रीज का रेट है एक साइड पे लेस होता है एज कंपेयर टू अदर साइड अब देखो ये बढ़ तो एकदम से जल्दी, जल्दी 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 बढ़ता गया लेकिन जो गिरा वो बिल्कुल धीरे 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 गिर रहा था है ना तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि एकदम से ऊपर चला गया और फिर गिरा जो है वो एकदम से नीचे नहीं आया वो धीरे धीरे नीचे आया तो मतलब जो रेट ऑफ डिक्रीज इन वन साइड इज़ जो डिक्रीज़ का रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड जिस तरीके से वो बढ़ा था उस तरीके से वो गिरा नहीं ठीक तो है तो ये तो पॉजिटिव स्क्यूड कोर्स को कव अब आता है नेगेटिव स्क्यूड कर्व इसमें क्या होता है ये वो कर्व है जहाँ पे कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ स्की uh, करा हुआ है ठीक है ये देखो ये इस साइड था ये वाला जो पॉजिटिव एक सॉरी पॉजिटिव कर्व था जो वो इस साइड हो रखा है और नेगेटिव कर्व जो है वो राइट तो right साइड पे बिल्कुल उस साइड गया हुआ है सच आर टेल टू ग्राफ सी अब ये सी ग्राफ बना हुआ है ठीक है अब इसमें क्या है कि एकदम से धीरे धीरे बढ़ती हैं चीजें और फिर एकदम से नीचे गिर जाती हैं ठीक है थीके? तो इसमें ये होता है अब यू शेप कर्व कौन सा होता है ये वो है जहाँ पे टू हाई पॉइंट्स होते हैं सीरीज़ में बोथ हैविंग इक्वल और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी ठीक है तो जहाँ के दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है तो मतलब पहले टॉप पे फ्रीक्वेंसी जैसे सपोज दस आ गई फिर पाँच नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक ज़ीरो करके मतलब बिल्कुल इक्वली चलता है वो नीचे आता है फिर एकदम से आराम से ऊपर जाता है ठीक है कर्व कर्व अब कौन सा आ गया ये ई ग्राफ में बना हुआ है ये बाय मॉडल कर्व है uh, इसमें क्या होता है दो क्लासेस होती हैं विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ठीक है इन सच सीरीज देर इज नो यूनिक मॉडल वैल्यू दैट इज बाय द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच सीरीज मेक्स अ बाई मॉडल कव मतलब इसमें दो बारी वो पीक पे जाता है देखो पहला कर्व ऊपर गया, गया गया फिर वो नीचे आया फिर वो ऊपर गया तो यहाँ पे दो कर्व हाई पीक पॉइंट्स बन गए ठीक है तो दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं अब जे शेप्ड में क्या होता है ये ग्राफ एफ में बना हुआ है जे शेप इसमें क्या होता है जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और कर्व जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से बढ़ता जा के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाता है ठीक है तो ये जे शेप में होता है जैसे हम इंग्लिश लेटर में जे लिखा होता है ना उस शेप में बना होता है अब रिवर्स जे हो गया मतलब उल्टा जे मतलब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होके बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नीचे तक आ जाती है ठीक है तो ये हो गए रिवर्स जे शेफ्ट सो विद दिस वी हैव फिनिशर चैप्टर कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ लाइक करो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ और आपके सारा क्लास इलेवेंथ का मैं सॉल्व कर रही हूँ और इकोनॉमिक्स और साइंस पूरा सॉल्व है तो आप अपनी प्ले में जाके चेक कर सकते हो किसी को कोई चाहिए चैप्टर तो आप वो मुझे कमेंट में भी करके बता सकते हो सो टिल देन टेक केयर बाय हैव है